बचपन में हम सबका एक ड्रीम था कि हमारा भी आयरन मैन जैसा एक जार्विस एआई असिस्टेंट हो, तो मतलब हम कोई भी काम उससे बोले और वो फटाफट चुटकियों में कर दे और हमें कुछ इंटरफेयर करना भी ना पड़े। आप कह सकते हैं जार्विस अपने में एक सिंपलेस्ट कंप्यूटर था ऑपरेटिंग में ऑब्वियसली, और मार्केट में ये नया डिवाइस जिसका नाम है रैबिट R1, ये कुछ इसी क्लेम को फुलफिल करने के लिए आया है। तो रैबिट R1 क्लेम करता है कि वो बनेगा, या वो आ रहा है इस उम्मीद के साथ, टू बी द सिंपलेस्ट कंप्यूटर इन योर पॉकेट। तो अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपका फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर वेट है अगर आप उसके अंदर इंटरनेट और सारी ऐप्स हटा दें, और उन ऐप्स को यूज़ करने के लिए भी आपको न्यूमरस टचेस करने पड़ते हैं, न्यूमरस क्लिक्स करने पड़ते हैं। हर एक चीज़ के लिए ऐप हो गई है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप उबर ओला करेंगे, अगर आपको पानी पीना भी याद करना है तो उसके लिए भी एक अलग से ऐप आती है। तो रैबिट R1 के CEO और फाउंडर जैसी कहते हैं कि उन्हें ये बड़ी समस्या दूर करनी है। उन्हें एक ऐसा सिंपल कंप्यूटर बनाना है जो आप बस एक कमांड दे और वो कमांड फुलफिल कर दे विदाउट एनी ऑफ योर इंटरफेरेंस। तो मान लीजिए अगर आपको उबर बुलानी है तो आप कह सकते हैं कॉल मी एन उबर। आप बोलेंगे पहले से ही सिरी, एलेक्सा या फिर गूगल करता ही है, पर लेकिन इनका कहना है कि ये 10 times फास्टर और बहुत ज़्यादा इनोवेशन आगे है एज कम्पेयर टू अदर असिस्टेंट्स। अब मान लीजिए बहुत बार वो नहीं समझ पाते कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, या फिर बहुत बार वो मिसगाइड कर लेते हैं आपकी स्पीच को, लेकिन रैबिट R1 कहता है कि अगर उसको कमांड दिया जाए तो वो बाकियों से बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और उसकी स्पीच रिकग्निशन और जो नेचुरल स्पीच इनपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेज और अदर असिस्टेंट्स। तो इसीलिए रैबिट R1 काम करता है लैम्प सपोर्ट के अंदर, जो कि है लैंग्वेज एक्शन मॉडल। तो जो भी आप इसको इनपुट देते हैं वो इस पर एक्ट करेगा और आपको एक एक्शन फुलफिल करके देगा। तो अगर हम इसके फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो ये है गैलेक्सी फ्लिप जितना। गैलेक्सी फ्लिप देखा है, उसको फ्लिप कर दीजिए और प्लास्टिक बॉडी बना दीजिए तो वैसा सा दिखेगा। उसके अंदर आपको मिलता है 360 रोटेटिंग कैमरा जो कि 8 megapixels का और शूट करता है 24 fps 1080p में। इसके बारे में बात करेंगे। एक TFT डिस्प्ले है उसके अंदर जो कि अब बाइक्स के अंदर आने लग गया है, उसी में आता था। फिर उसके अंदर आपको एक एनालॉग सा व्हील मिलेगा, स्क्रॉल व्हील, एक पुश बटन जिससे आप बात करेंगे क्योंकि पुश बटन टॉक है जस्ट लाइक वॉकी टॉकी। 2 mic arrays मिलेंगे जो इनपुट देंगे आपके स्पीच को, और एक स्पीकर मिलेगा। चार्जिंग के लिए यूज़ करेंगे आप टाइप सी, और कंपनी कहती है कि ऑल डे बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगा। देखने में काफ़ी अच्छा और यूनिक है, लेकिन मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कहता है कि एक मॉडर्न डे पेजर जैसा दिखता है। इसका UI भी काफ़ी सिंपल है यूज़ करने में। आपको साइड में एक पुश बटन दे रखा है, उसको बस दबा के आपको कमांड देनी है और दी एंड। डेमो में भी बहुत वियर्ड कमांड दी थी, मुझे समझ में नहीं आया कौन डे टू डे लाइफ में ऐसे कमांड देता है। जस्ट प्रेस एंड होल्ड द बटन एंड टॉक लाइक अ वॉकी टॉकी। नाउ लेट्स गिव इट अ शॉट। व्हाट्स द नेचर ऑफ द रियलिटी? The nature of reality is a topic that has captivated the minds of philosophers and thinkers throughout history. और वो कमांड्स जो मैं और आप देना चाहेंगे वो है यूजर सेंट्रिक एप्स के अंदर। क्योंकि मान लीजिए Spotify, उसमें मुझे कुछ गाना चलाना है तो मुझे वो कमांड देनी पड़ेगी और कि मेरा लाइक्ड एल्बम चला दीजिए, तो वो एक्सेस करने के लिए उसको पहले से आपको कमांड देनी ही पड़ेगी। उसको बोलते हैं रैबिट होल। तो आपकी सारी ऐप्स, चाहे वो Uber हो, चाहे वो Facebook हो, चाहे वो आपके Gmail notifications हो, चाहे आपका Spotify या Apple Music हो, उन सब की कमांड आपको रैबिट होल को देनी पड़ेगी, तभी जाके वो सारी ऐप्स को एक्सेस कर पाएगा। एक बार आपने रैबिट होल के अंदर उनको एक्सेस दे दिया, उसके बाद आप कोई भी कमांड्स बोलिए वो आसानी से फुलफिल कर सकता है उसको। उसके बाद आगे प्रेजेंटेशन में उन्होंने इस टाइप की कमांड्स दिखाई थी कि आपने एक पिज्जा ऑर्डर करा। Get me a 12-inch pizza from Pizza Hut delivered to here. The most ordered option on the app is fine. Ordering a 12-inch pizza from Pizza Hut. Since you mentioned that the most ordered option is fine, I will select that for you. I just created an order for a 12-inch pizza. It's going to be hand-tossed with a classic marinara sauce and topped with regular cheese. Please confirm your order. या फिर आपने एक Uber बुलाई और बहुत कॉम्प्लेक्स कमांड के अगर हम एग्जांपल दें तो उन्होंने पूरी ट्रिप एक प्लान कर दी कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर आपका कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हुआ तो आप सच में एक कमांड देके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे? मतलब इतने सारे वेरिएबल्स चूज़ करने पड़ते हैं, कौन सी टॉपिंग, कौन सा पिज़्ज़ा, ये सब, और फिर डिस्काउंट्स देखने पड़ते हैं कि पिज़्ज़ा हट में या फिर डोमिनोज़ में या फिर कोई और XYZ पिज़्ज़ा चेन के अंदर क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, सबसे बेस्ट डील बेस्ट टॉपिंग के साथ आपको कैसे मिल सकती है। अगर आप कैब भी बुक करते हैं तो ओला या उबर में से कौन सी सस्ती है, कौन सी कैब है, XL, चाहे आपकी उबर गो या फिर मोटो, आपको सबसे बेस्ट चॉइस आपके लिए क्या रहेगी वो आप खुद चूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं ट्रिप की बात करूं तो ट्रिप में तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल्स हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस फ्लाइट से जाना है, कितने की फ़्लाइट है, आप आगे पीछे दिन देखते हैं कि
क्या पता मैं दो दिन एक्सटेंड कर लूँगा तब मुझे सस्ती फ़्लाइट पड़ेगी नहीं पड़ेगी। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपको पहले जज करने पड़ते हैं कुछ भी बुक करने से पहले। तो एक सिंपल कमांड में ये सब पता लगा लेना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। इंडियंस तो ऐसे हैं कि एक टूथब्रश लेने से पहले भी वो चार यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक, नॉर्मल, कौन से ब्रिसल, सॉफ्ट, ये सब। आगे इन्होंने प्रेजेंटेशन में दिखाई कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर उन्होंने सब कुछ तहजीब से वेजिटेबल्स और फ्रूट सजा के रख दिए थे और कैमरे से दिखा के पूछा कि आप बेस्ट डिश इसमें से कौन सी बना सकते हैं। तो कैमरे ने थोड़ा टाइम लिया और आंसर दे दिया। लेकिन इंडिया के अंदर या फिर कहीं भी इतना वेल बैलेंस और इतना वेल ऑर्गेनाइज रेफ्रिजरेटर नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए लेकिन लोग करते नहीं हैं। तो उसके बाद फिर उसको वेरिएबल्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्जी पड़ी होगी या फिर कुछ कैंस पड़े होंगे या फिर केचप की बॉटल होगी, तब उस सबको जब जज करेगा वो, तब वो कैसा रियल लाइफ में परफॉर्म करता है वो ज़रूर देखना है। और उसके ऊपर से दूर से आप 8 मेगापिक्सल कैमरा के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं वो कितना केपेबल है फोकस में या फिर आइडेंटिफाई में, वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा पहले से ही। और ये सब तभी पॉसिबल है जब वो हैंड्स ऑन आएगा और रियल लाइफ टेस्टिंग होगी कि ये सच में इन सब वेरिएबल्स के अंदर परफॉर्म करता है भी या नहीं। तो कुछ ऐप्स के साथ सपोर्ट तो स्टार्टिंग से ही मिलेगा जब आप खरीदेंगे इन चीज़ों को, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐप्स मिलेंगी लेकिन उसके बाद बाकी ऐप्स को रैबिट को आपको खुद सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए रैबिट से मिलता है आपको एक टीच मोड। तो जैसे कि प्रेजेंटेशन में उन्होंने दिखाया था आपको कुछ स्टेप्स ये रैबिट के टीच मोड UI के अंदर ही होंगे, कुछ स्टेप्स सिखाने कि रैबिट क्या परफॉर्म करे, या उसको एक सिंगल कमांड दे और वो सारे सीरीज ऑफ एक्शन आपके लिए परफॉर्म कर दे। तो उन्होंने डेमो में दिखाया कि मिड जर्नी के लिए उन्होंने सबसे पहले लॉगिन किया डिस्कॉर्ड के अंदर, उसको फिर प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट हुई और इमेज फिर आपको सेव करके उन्होंने सामने दिखाई। तो ये सब जब रैबिट सीख लेगा तो वो आपको एक ही कमांड के अंदर कि आप प्रॉम्प्ट बोलें और वो मिड जर्नी से टाइम लेकर आपको वो शो कर देगा। तो अगर मैं क्रक्स में बात करूँ तो रैबिट सच में सिंपलेस्ट कंप्यूटर है, तो आप बस उसको कमांड दीजिए और थियोरेटिकली वो आपके सारे कमांड्स फुलफिल कर देगा। मैं रैबिट R1 को दो यूज केसेस में देख सकता हूँ फुलफिल होते हुए। पहला, रैबिट शुड बी मेड फॉर किड्स। आप बताइए आपने लास्ट टाइम गूगल से कुछ भी अटपटा चीज़ें कब पूछी थी? मैं तो बहुत कम पूछता हूँ, लेकिन किड्स के पास स्मार्टफोन के अंदर कई सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि कुछ गलत ना देख ले वो या फिर वो कुछ टाइम वेस्ट ना करे, और किड्स सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं और रैबिट उनके लिए सबसे अच्छा कंपेनियन हो सकता है। चाहे वो पूछे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²+b²+2ab, चाहे वो कोई पूछे कि मून यहाँ से कितनी दूर है या कितने स्टार्स हैं, रैबिट उस सब का आंसर बहुत ही चुटकियों में दे देगा। तो किड्स की जितनी भी क्यूरियोसिटी है वो उनके पाम ऑफ हैंड्स के अंदर होंगी। और इसके साथ साथ पेरेंट्स का भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि फिर भी कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं कि वो पूछे तो उसका आंसर जो है वो एप्रोप्रिएट ही मिले, कुछ वल्गर या फिर कुछ उस टाइप का आंसर ना मिले। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। सेकंड थिंग की बात करूँ तो हम लोगों के लिए या फिर यूथ के लिए या फिर हर एक बंदा जो स्मार्टफोन यूज़ करता है उसके लिए ये इनोवेशन कैसे काम कर सकती है। लोग कह रहे हैं कि जब स्टीव जॉब्स ने QWERTY कीपैड हटा करके टच स्क्रीन किया था उसके बाद की इनोवेशन कुछ आ नहीं पाई है, सब लोग अभी भी स्मार्टफोन वैसे यूज़ कर रहे जैसे पहले यूज़ करते थे। लेकिन इस वाली चीज़ों को इम्प्लीमेंट AI को इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हम स्मार्टफोन के अंदर, तो बहुत ही सिंपल सा इसका सलूशन है। हर एक फ़ोन के अंदर जैसे कि एप्पल iPhone 15 Pro Max में आपको एक एक्शन बटन मिलता है, सैमसंग में भी एक एक्शन बटन आता था पहले और गूगल भी निकाल ही देगा, तो आप जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है उसको आप दे दीजिए रैबिट और उसमें रख दीजिए एक न्यू एक्शन बटन, तो आपको 90% जो चीज़ें होंगी वो आप रैबिट को यूज़ करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से ही कर सकते हैं, और जो 10% या 20% चीज़ें होंगी वो आप दूसरे बटन से फ़ोन को अनलॉक करके फिर कर लीजिए, तो आपका दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी। और हर एक फ़ोन के अंदर ये AI असिस्टेंट काम करेगा, तो हर एक रैबिट हर एक फ़ोन के अंदर होगा एक न्यू वे के अंदर कि आप बस अपना एक्शन बटन क्लिक करिए, बोलिए, कमांड दीजिए और वो सब कुछ फुलफ़िल कर देगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत नहीं, बस एक एक्स्ट्रा बटन की ज़रूरत है, क्योंकि हार्डवेयर ऑलमोस्ट क्या सब कुछ ही सेम होना है और स्मार्टफोन के अंदर हार्डवेयर ज़्यादा अच्छा है, कैमरा भी सबसे अच्छा है। तो ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। और मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकता हूँ कि एक ऐसा गूगल फ़ोन बनाए जिसमें एक ऐसा ही एक एक्शन बटन हो कि मैं एक्शन का बटन दबाऊँ, गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो और मैं सब कुछ बोलूँ, सब कुछ समझ जाए, 80% चीज़ें मैं वैसे ही काम कर लूँगा, 20% के लिए मैं दूसरे बटन से अपना फ़ोन खोलूँगा और बस अपना रेगुलर यूज़ कर लूँगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। आप मुझे अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं रैबिट R1 के बारे में। मैं भी भागता हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि रात के 12 बजे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं ऊपर टेरेस पर शूट कर रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और इससे भी अच्छी वीडियोज़ मैं आपको ज़रूर लाता रहूँगा। तो मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।